नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। भोपाल में हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं ने सावन उत्सव और हरियाली तीज मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। तीज का त्यौहार सावन के महीने में आने वाले त्योहारों में विशेष स्थान रखता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर शंकर भगवान से पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। महिलाओं ने इस कार्यक्रम में नाच गाकर एक दूसरे को तीज की बधाई दी। तीज के त्योहार पर स्नेह नगर कॉलोनी में हरियाली तीज सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने नाच गाकर तीज के गीत गाए और बारी बारी से झूला झूलने का आनंद लिया। इस अवसर पर महिलाओं ने एक दूसरे को माला पहनाकर तीज की बधाई दी। हरियाली तीज का एक कार्यक्रम रखा है। बड़ी संख्या में आसपास के कॉलोनियों की सारी महिलाएं यहां पर उपस्थित हुई हैं हरियाली तीज को मनाने के लिए। मैं सबको बहुत बधाई शुभकामना देते हुए निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से यह कह सकती हूं कि हमारी संस्कृति की संरक्षिका और प्रचारिका यदि कोई है तो वो महिलाएँ हैं। तीज का त्यौहार सावन और भाद्रपद के महीनों में आने वाले त्योहारों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हरियाली तीज पर शिवजी और माता पार्वती की पूजा की जाती है। महादेव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हरियाली तीज मनाने का विशेष कारण है। देवी पार्वती ने महादेव को पाने के लिए बहुत जन्मों तक कठोर तप किया था। तीज के दिन महादेव ने देवी पार्वती को अपनाकर पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए महिलाएं तीज का व्रत बड़े उत्साह के साथ करती हैं। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ आज।